हरे कृष्णा, दिस इज़ द रियल फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स। सो टुडे आई शेयर विद यू टोटल 20+ इंडोर प्लांट्स विद यू, एंड वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना बिकॉज मैं आपको इंडोर प्लांट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी लास्ट में, जिससे कि आपके प्लांट जैसे आपने नर्सरी से लेकर आए हैं बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। और कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी, जैसे कि मेरे प्लांट्स सेम वैसे ही रहते हैं उस तरीके से आपके भी प्लांट्स सेम उसी तरीके से रहेंगे। तो इंडोर प्लांट्स रखने से हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं और ऑक्सीजन हमें फुली मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे आता है गोल्डन पोथोस, जिसे आप अपनी भाषा में मनी प्लांट बोलते हैं। मनी प्लांट एक लविंग प्लांट है, जिससे कि हमारे जो घर में रिलेटिव्स होते हैं और जो घर का नेचर होता है वो बहुत ही पॉजिटिव रहता है और लविंग रहता है। बिकॉज इसकी जो लीव्स आप जब देखेंगे ना, वो हार्ट शेप में रहती है, जिससे कि हमारे घर में जो भी लविंग एरिया है, जो भी हम जहाँ पे हम बैठते हैं उठते हैं, वहाँ पे एक हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही रहेगी और हमें ये ऑक्सीजन और नेचर ग्रीन से रिलेट करता रहेगा। तो आप मनी प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए। इसकी कटिंग लगाना बहुत ही सिंपल है, अगर आपके आस पड़ोस में किसी के पास है तो आप इसकी कटिंग लगा लीजिए। और सबसे पहले तो इसकी कटिंग आप पानी में लगा के चेक कर सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस प्लांट एज अ इंडोर प्लांट। ये आपको छोटे वाला भी स्नेक प्लांट मिल जाएगा और बड़े वाला भी मिल जाएगा। इसके अंदर आपको काफ़ी वेराइटी मिल जाएगी, वेरीगेटेड एंड द नॉर्मल एज लाइक अ ग्रीन कलर भी मिल जाता है। वेरीगेटेड प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं आप, और अगर ग्रीन वाला है आपके पास स्नेक प्लांट तो उसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। ये सारे मैंने डिवाइड करे हुए हैं और कुछ मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं, आप भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा डेविल बैकबोन और जिगजैग प्लांट भी इसे बोलते हैं। ये भी इंडोर के लिए काफ़ी अच्छा है, ये कटिंग से बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है। और इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 30-40 रुपीज़ में मिल जाएगा आसानी से। बाकी जो मेरे पीछे थे प्लांट्स, वो आपको मनी प्लांट इजीली 20-50 रुपीज़ में मिल जाएगा। स्नेक प्लांट भी आपको नॉर्मली 50 के अराउंड मिल जाएगा। सैकुलेंट्स भी आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा जीजी प्लांट, जो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, 90-95 के अप्रोक्स। अगर आप छोटा प्लांट लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा और ये इंडोर के लिए परफेक्ट प्लांट है। इसे ज़्यादा नीड ये नहीं मांगता है, इसे आप कंपोस्ट कम ही दें तो ये काफ़ी अच्छा चलता है। ब्राइट लाइट में ये काफ़ी अच्छा चलेगा अगर आप इसको ड्राइंग रूम या अपने बेडरूम पर रख रहे हैं। उसके बाद हमारा करोटन प्लांट है, ये भी आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा अगर आप छोटा प्लांट लेंगे तो। हमेशा कोशिश करें कि आप छोटा प्लांट ही लें और उसको अपने घर में ही बड़ा करें। तो ये मैंने छोटे प्लांट्स ही लेती हूँ और उसको अपने घर में ही अपनी मेहनत से ही उनको बड़ा करती हूँ, उसको अच्छी तरीके से केयर करती हूँ और कंपोस्ट में अच्छी मात्रा में देती हूँ। करोटन की आपको बड़ी और छोटी लीव्स में एक काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी आपको। ये वेरीगेटेड होते हैं और ये काफ़ी अच्छा लुक देते हैं हमारे इंडोर एरिया को। इसको आप सेरेमिक पॉट में ना लगाकर आप इसको सीमेंट वाले पॉट में आराम से लगाइए तो ये काफ़ी अच्छा चलेगा। मिट्टी आप इसकी वेल्ड्रेन बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा पत्थरचट्टा। मैं इसको पत्थरचट्टा ही बोलती हूँ, आपके लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये काफ़ी इजीली प्लांट हो जाता है, ये हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इसकी सिंगल लीफ से भी इसके काफ़ी सारे हम बेबी प्लांट्स इसको हम ग्रो कर सकते हैं। पत्थरचट्टा की कटिंग लगाना काफ़ी आसान है और इसको बुशी करना भी काफ़ी आसान है। बुशी करने के लिए इसकी आप ऊपर से पिंचिंग कर दीजिए और कटिंग के लिए इसका आप नॉर्मल कटिंग कर लीजिए, इसकी आराम से हो जाती है। उसके बाद है हमारा एलिफेंट प्लांट, जिसे हम सिंगोनियम प्लांट भी बोलते हैं। इसमें आपको काफ़ी वेराइटी मिल जाएगी, बड़ी छोटी, छोटी लीव्स वाली आती हैं और बड़ी लीव्स वाली भी आती हैं। ये सिमिलरली मनी प्लांट की तरह ही होता है, बस जो इसकी वेरिएशन होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसकी लीव से ही ये जाना जाता है। एलिफेंट प्लांट मीन्स सिंगोनियम प्लांट की कटिंग लगाना है अगर आपको, तो इसे सबसे पहले आप एरियल रूट जहाँ पे आपको दिखे वहाँ से कटिंग करके आप इसको पानी में डाल दीजिए और 1-2 हफ्ते बाद इसकी रूट्स डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद आप इसे मिट्टी में लगा सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छा चलेगा। इसको आप किसी भी बड़े कंटेनर या छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट प्लांट भी है, इसको आप ईजिली अपने घर में हैंग करके या फिर कंटेनर में लगा के लगा सकते हैं। ये मैंने अपने बोतल से ही अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी इसमें दिखा रखी है। उसके बाद आता है हमारा कैलेडियम, जो नॉर्मली थोड़ा थोड़ा आपको एलिफेंट प्लांट की तरह ही इसकी लीव दिखेंगी, बट ये इसकी जो कटिंग का प्रोसेस है काफ़ी अलग है। इसके अंदर बल्ब्स रूटेड होती हैं, ये बल्ब से ही डिवाइड होता है, इसकी कटिंग नहीं लग पाती है। बल्ब अगर इसके हैं आपके पास तो आप खरीद भी सकते हैं नर्सरी से, 20-50 रुपीज़ में मिल जाएगा। बाकी ये पौधा थोड़ा सा महंगा मिलेगा आपको, 90-95 अगर आप छोटा लेंगे तो।
उसके बाद है हमारा फॉक्सटेल प्लांट जो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लांट है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं 50 रुपीज़ का, ये भी पड़ जाएगा आपको। इसके बाद है हमारा एंजियोपोथोस प्लांट जो वेरी फेमस प्लांट है इंडोर के लिए, ये भी मनी प्लांट की ही वैरायटी है बट ये थोड़ा सा वेरीगेटेड वाला है, इसको एंजियोपोथोस बोलते हैं। इसकी कटिंग भी सिमिलरली मनी प्लांट की तरह ही लगती है, आप इसको ऐड कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा आपको लुक देगा। उसके बाद हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी वेरीगेटेड प्लांट है और काफ़ी अच्छा चलता है। इसका आप ये बात ध्यान रखना कि ये ऊंचा बहुत ज़्यादा है, तो अपने आप अपने घर का स्पेस देख के इसको आप खरीद सकते हैं। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी आप लगा सकते हैं, मतलब इसकी कटिंग होती है, कटिंग से ही आप इसको लगा सकते हैं, डिवाइड नहीं होता है ये। उसके बाद हमारा रबड़ प्लांट है, रबड़ प्लांट की भी आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी। ये है वेरीगेटेड वाला, इसके अंदर आपको ब्लैक ग्रीन, जैसे इस तरीके से ग्रीन है ये ब्लैक है, तो काफ़ी अच्छी इसकी भी कटिंग, ये भी सिंपली हो जाती है, सिंगल लीफ से भी इसकी कटिंग हो जाती है और न्यू बेबी प्लांट्स के हम ग्रो कर सकते हैं ईजिली। ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है 100 के अप्रॉक्स। उसके बाद है हमारा ये ग्रीन एवर एग्लोनीमा, एग्लोनीमा इज़ वेरी, इसकी अंदर काफ़ी सारी वेरायटी आती है, मैं आपको अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे काफ़ी वेरायटी है। मेरे पास इसकी 3 वेरायटी हैं, ये आपको ग्रीन एवर एग्लोनीमा आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने सारे कटिंग से ही लगाए हुए हैं जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये मुझे पड़ा था 120 का। थोड़ा आप अपने हिसाब से नर्सरी से खरीद सकते हैं ऊपर नीचे करके। उसके बाद है चाइनीज एग्लोनीमा, ये भी उसी तरीके की वेरीगेटेड है, ये थोड़ा सा ये काफ़ी अच्छा चलता है और बुशी बहुत जल्दी हो जाता है जब इसका मॉनसून का टाइम आता है ना, तो ये काफ़ी बुशी हो जाता है, इसमें फ्लावरिंग होती है तो ये अपने आप ही बुशी हो जाता है ये, और ये ब्राइट लाइट एरिया में काफ़ी अच्छा चलता है इंडोर में अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो। उसके बाद हमारा है ऑल फेमस एलोवेरा जो हम सभी के घर में होता है। एलोवेरा हमारे हेल्थ के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है, हमारे हेयर और हमारे स्किन के लिए काफ़ी हेल्दी होता है, प्लस ये ऑक्सीजन भी हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोवाइड करता है। उसके बाद है हमारा डेफिन बेचिया, इसकी कटिंग तो बहुत ही आसानी से हो जाती है विदाउट रूटिंग हार्मोन, और ये आपको अगर आप छोटी इसकी लेंगे, छोटा प्लांट लेंगे, तो ये आपको 100 के अप्रॉक्स मिल जाएगा आपके नियर बाय नर्सरी में, आपको जिस तरीके से दें आप वैसे ले सकते हैं, बड़ा या छोटा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद है हमारा ये वंडरिंग जो, इसकी भी काफ़ी सारी वेरायटी आती हैं, लिटरली गाइस काफ़ी अच्छा ये चलता है, और इसको आप हैंगिंग बास्केट्स में या फिर कंटेनर में दोनों में लगा सकते हैं, बहुत ही बुशी हो जाता है इस तरीके से, ये आपको इंडोर आउटडोर दोनों में आप रख सकते हैं आपकी पसंद है। ब्राइट लाइट में इसकी लीव्स पर्पल हो जाती हैं, इस बात का ध्यान रखें, और पर्पल लुक काफ़ी अच्छा लगता है, ब्राइट लाइट इसको आप दे सकती हैं, और इसकी कटिंग भी लगाना बहुत सिंपल है, आप लगा सकते हैं। उसके बाद है ये हमारा ड्रैकिना मर्जेंटिना, ये काफ़ी अच्छा चलता है, इसके अंदर भी काफ़ी वैरायटी है, ग्रीन है मेरे पास और एक रेड है, ये दोनों ही अपने बेबी प्लांट्स अपने नीचे से जैसे सॉइल में से निकल कर आते हैं, इसकी कटिंग नहीं लगती है, कटिंग लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, वैसे अगर इसकी आप कटिंग लगाएंगे ना तो ये प्लांट थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगता है, इसको आप जितना हो सके डिवाइड कर सकते हैं। ये है रेड वाला, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है इंडोर, इसको आप रख सकते हैं लेकिन इसको ब्राइट एरिया ज़रूर दें। उसके बाद है हमारा रियो प्लांट जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लांट है, इसकी वेरिएशन तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, रेड पर्पल एंड ग्रीन की, ये भी आपको इजीली 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। उसके बाद है हमारा नियोन पोथोस जो सिमिलरली गोल्डन पोथोस की तरह ही है, जिस तरीके से आप मनी प्लांट लगाते हैं सिमिलरली उसी तरीके से चलता है, बस इसकी जो लीव्स होती हैं ये थोड़ा येलोइश होती हैं, आप ये मत समझना कि ये पीला वाला मतलब ये हमारा मनी प्लांट ख़राब हो गया, ये येलो ही मनी प्लांट है, ये काफ़ी अच्छा लगता है अगर हमारे घर में ये हैंगिंग या फिर कंटेनर दोनों में आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद है हमारा ब्रोकन हार्ट जिसे हम मॉन्स्टेरा प्लांट भी बोलते हैं, मॉन्स्टेरा से हम क्यों बोलते हैं बिकॉज इसकी लीव्स में ना डॉट डॉट मिलेगी आपको, होल्स मिलेंगे काफ़ी सारे, और ये एक तरीके से ऊंचा जाता है प्लांट, मतलब हैंगिंग बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हैं, बुशी करने के लिए आप इसको कंटेनर में भी लगा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा चलेगा और ये काफ़ी अच्छा लगता है हमें जब इसके अंदर ना ये होल्स से आते हैं, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये मैं नर्सरी से 20 रुपीज़ का लेकर आई थी, छोटी वैरायटी है, अभी मैं इसको रिसेंटली लेकर ही आई हूँ। उसके बाद है ये हमारा मधुकामनी का पौधा जिसे आप स्मॉल जैस्मिन भी बोल सकते हैं, इंडोर आउटडोर दोनों प्लांट है ये, इंडोर में आप इसे रखते हैं तो इसके अंदर फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होती है, शेमी शेड एरिया में इसको आप रख सकते हैं, फ्लावरिंग से ये पूरा कवर हो जाता है, इसकी खुशबू बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू होती है, काफ़ी अच्छी लगती है, और इसको आप अगर
धूप में रखते हैं, मतलब आउटडोर रखते हैं, तो इसकी बॉन्साई आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, दोनों ही साइड में चलेगा, इंडोर आउटडोर दोनों में चल सकता है ये, और ये आपको भी मिल जाएगा 100 रुपीज़ के अप्रॉक्स। उसके बाद है हमारा अम्ब्रेला प्लांट, जैसे कि एरिका पाम होता है ना, उसी तरीके से ये भी उन सब की ही वेराइटी है ये सारे अम्ब्रेला पाम। ये आपको अगर मैं थोड़ी सी टिप्स दूँ तो ये ना थोड़ा सनलाइट ज़्यादा मांगेगा, इसको आप डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं, जहाँ पे इसके ब्राइट लाइट मिले वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं, बाकी ये आपकी ये चॉइस है। तो गाइस ये सारे प्लांट्स की जो आपको टिप्स बता रही हूँ कि हफ्ते में इसको 2 बार, जितने भी प्लांट्स मैंने बताए ना सबको आप प्लीज़ धूप ज़रूर दिखाइए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। उसके बाद है ट्रायंगल हार्ट की कटिंग आप ले लीजिए, नहीं तो आपको 20 रुपीज़ का मिल जाएगा नर्सरी से, और ये इंडोर के लिए परफेक्ट प्लांट है, इसे पानी की भी बहुत कम नीड होती है और ये ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। वीडियो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़ गाइज, एंड दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड हरी बोल।